A warm hello to all the learners of Mathetic Maths Adda. This is Vinay Pandey here again. Students, जो आज का वीडियो है वो क्लास 12th के जो हम प्रीवियस ईयर्स की सीरीज हम कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर्स में बोर्ड्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अलग अलग बोर्ड्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस हम चैप्टर वाइज सॉल्व कर रहे हैं. तो लगभग 4-5 ईयर्स के इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस हमने सबसे पहले हमने लिए थे. तो जो स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन में जिस स्टूडेंट को भी प्रॉब्लम है, जो पुराने बोर्ड्स के क्वेश्चंस करना चाहता है, वो डिस्क्रिप्शन में उस के लिंक से देख सकता है और वहाँ से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है. आज का जो वीडियो बेस्ड है, हम अब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स से किसी भी बोर्ड में CBSE, ICSE, उत्तराखंड बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, जितने भी बोर्ड्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो भी क्लास 12th का बोर्ड का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो क्वेश्चन पेपर आता है, उस क्वेश्चन पेपर में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का मिनिमम एक क्वेश्चन तो हमेशा पूछा जाता है. तो एक क्वेश्चन इस बार भी एग्ज़ाम में पक्का आना है. एक से दो क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, दो क्वेश्चन एक बी में और एक लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है. तो सबसे पहले जो बोर्ड्स के क्वेश्चन की सीरीज में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है, ये 2016 के जो 2016 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को हम आज सॉल्व कर रहे हैं. पहले का जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो CBSE बोर्ड का क्वेश्चन है. सेकंड क्वेश्चन आप देखिए वो दिल्ली बोर्ड का क्वेश्चन है. और थर्ड क्वेश्चन आप देखिए, थर्ड क्वेश्चन किसका है, उत्तराखंड बोर्ड का. जैसे कि मैंने इंटीग्रेशन में भी आपको अलग अलग बोर्ड्स के क्वेश्चन कराए थे, वैसे ही आज पहला क्वेश्चन CBSE का, दिल्ली बोर्ड का और तीसरा हम उत्तराखंड बोर्ड का करेंगे. 2016 मैंने बोला था, 2015 के ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं. तो 2015, 16, 17 ऐसे करके हम इस चैप्टर के अलग अलग ईयर्स में जो जो इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसकी सीरीज़ एक कंटिन्यूसली हम चलाएंगे, जैसे हमने इंटीग्रल्स में चलाई हुई थी. तो ये तीनों क्वेश्चन को वन बाई वन देखते हैं. तो क्योंकि अभी मैं आज सबसे पहला लेक्चर इस चैप्टर का लेकर के आया हूँ और अभी हमने इस चैप्टर के बारे में इतना पढ़ा भी नहीं है, तो मैं आपको इसके पहले बेसिक्स बता रहा हूँ कि आपको एरिया निकालना कैसे होता है, उसके बाद हम इन क्वेश्चंस में आएंगे. अगर सपोज जितने भी क्वेश्चंस आपके एरिया निकालने वाले आएंगे, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स कुछ भी आएगा, उस केस में आपको इंटीग्रेशन का ही यूज़ करना है, अदर कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है. उसमें बाय नेम यूजिंग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन लिखा होगा तो आपको कोई अदर मेथड यूज़ नहीं करनी होगी. तो फॉर एग्जांपल अगर सपोज मेरे पास ये कर्व है और मुझे ये वाला एरिया निकालना है, तो सबसे पहले तो बेसिक आप समझिए कि इंटीग्रेशन क्या करता है. इंटीग्रेशन एक छोटे से पार्ट को अगर हम एक उसके लिमिट के अबाउट इंटीग्रेट कर रहे हैं तो वो पूरे, जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे, पहले हमको इस रीजन का एरिया निकालना है तो हम एक छोटा सा एरिया निकालेंगे, ये छोटे से एरिया को यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, इस पोर्शन का एरिया मिल जाएगा. तो यही कंसेप्ट आपको हर एक क्वेश्चन में लगाना है. हम क्या करेंगे, अगर हमको इस पूरे पोर्शन का एरिया निकालना है तो आप ये देखिए कि वो जो रीजन आपको निकालना है, क्योंकि आपने जब ये चैप्टर पढ़ा होगा तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न जो क्रिएट होता है वो क्रिएट होता है कि एरिया का हम YdX वाला फॉर्मूला यूज़ करें या XdY वाला फॉर्मूला यूज़ करें, क्योंकि दोनों इंटीग्रेशन के ही एरिया के ही फॉर्मूले हैं. ये भी एरिया निकालने के लिए यूज़ होता है, ये भी एरिया निकालने के लिए यूज़ होता है. आप ध्यान से अगर इस एग्जाम्पल को समझेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस क्वेश्चन में आपको YdX यूज़ करना है और किस क्वेश्चन में आपको XdY यूज़ करना है. इस रीजन का अगर आपको एरिया निकालना है तो इस रीजन में आप देखिए जो कर्व है वो X को पूरा कट करता हुआ जा रहा है, X एक्सिस को पूरा कट करता हुआ जा रहा है. तो मैंने आपको क्या बताया, हमको पहले एक छोटे से पार्ट का एरिया निकालना है, ये छोटे से पार्ट का एरिया निकालेंगे हम. अगर हम इस छोटे से पार्ट का एरिया निकालेंगे तो आप देखिए ये तो इसकी लेंथ हो गई और ब्रेथ जो है वो कौन सी एक्सिस में आ रही है, ब्रेथ आ रही है एक्स एक्सिस में. तो इसका मतलब ये जो ब्रेथ है इसकी डेल एक्स हो जाएगी और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो मान लेते हैं एक्स कोमा वाई. तो अगर आपको ये हाइट निकालनी है तो ये हाइट कितनी हो जाएगी इसकी वाई, जो इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा वही इसकी हाइट हो जाएगी, और ये विड्थ कितनी हो गई डेल एक्स. तो अगर आप इतने पोर्शन का एरिया निकाल रहे हैं तो इसको एज अ रेक्टेंगल आप ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा एरिया है और आपको किसी भी सर्कुलर पोर्शन में कोई छोटा सा पोर्शन अगर आप लेंगे
तो वो लगभग स्ट्रेट होता है, तो ये पूरा स्ट्रेट होगा, स्ट्रेट होगा और ये भी स्ट्रेट होगा, तो ये लगभग क्या बन जाएगा आपका, ऑलमोस्ट रेक्टेंगल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितनी है इसकी वाई और ब्रेथ कितनी है डेल एक्स, तो ये इस छोटे से पोर्शन का एरिया हो गया, इस पोर्शन का एरिया निकाल दिया हमने। अगर आपको इस पोर्शन का एरिया निकालना है तो क्या करना है, छोटे से पोर्शन से बड़ा पोर्शन अगर आपको निकालना होता है तो आपको क्या करना होता है, इंटीग्रेशन, और ये डेल एक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी एक्स में। तो यही कंसेप्ट है कि आपको वाई डी एक्स वाला जो फॉर्मूला है वो कब यूज करना है। अब एक्स डी वाई को देखिए आप, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और आपको इतने पोर्शन का एरिया निकालना है, इसमें अगर मैं वही पहले वाला कंसेप्ट लगाऊं कि मैंने एक छोटा सा पार्ट ले लिया ये वाला, तो क्या मैं सही कर रहा हूं? मैं सही नहीं कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि इतना पोर्शन तो उस रीजन के अंदर आ रहा है, ये वाला पोर्शन तो उस रीजन के अंदर आ रहा है जिसका एरिया हमको निकालना है, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन उस रीजन के अंदर नहीं आ रहा है जिस रीजन का एरिया हमको निकालना है। तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट्री पार्ट बोलते हैं हम, इसको एलिमेंट्री पार्ट हमको ऐसे ना लेकर के ऐसे लेना होगा, और जैसे ही एलिमेंट्री पार्ट ये वाला पार्ट ले रहे हैं तो ये पूरा रीजन किसके अंदर आ रहा है, उस रीजन के अंदर आ रहा है जिसका एरिया हमको निकालना है। और ये जो छोटा सा इसकी विड्थ है, ये कौन सी एक्सिस में आ रही है, डेल वाई में, और इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई मान लेंगे तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, एक्स। तो इस छोटे से पार्ट का, एलिमेंट्री पार्ट का एरिया कितना हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है एक्स, ब्रेथ कितनी है डेल वाई। और इस पूरे पोर्शन से अगर इतना इस लिमिट के अंदर इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम, तो आपको पूरे पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको एक्स डी वाई वाला जो फॉर्मूला है वो कब यूज़ करना है और वाई डी एक्स वाला कब यूज़ करना है। अगर मैं आपको कंक्लूजन बताऊं, तो अगर जो एलिमेंट्री पार्ट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो आपको एक्स डी वाई का फॉर्मूला यूज़ करना है, एक्स के पैरेलल में कौन सा, एक्स डी वाई, और वाई के पैरेलल अगर है जैसे पहले वाला डायग्राम बनाया था तो उसमें आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, वाई डी एक्स। कंसेप्ट आपको बता दिया, अब आपको सिर्फ रिजल्ट याद रखना है कि अगर एक्स के पैरेलल है तो एक्स डी वाई वाला फॉर्मूला, और वाई के पैरेलल है तो वाई डी एक्स वाला। तो ये कंसेप्ट है इसका, सिंपल कंसेप्ट है। अब आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, किस रीजन का एरिया निकालना है आपको। एक रीजन तो ये दिया हुआ है, वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x, 4x² प्लस 4y² लेस देन इक्वल टू 9। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को करने से पहले आपको एक तो ये कंसेप्ट याद होना चाहिए, और दूसरा आपको ये क्लियर होना चाहिए कि किस इक्वेशन में ग्राफ कैसे बनता है, कौन से सर्कल की इक्वेशन होती है, कौन सी पैराबोला की इक्वेशन होती है, कौन सी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं होगा तो आप ग्राफ नहीं बना पाएंगे, और ग्राफ नहीं बना पाएंगे तो आप एरिया भी नहीं निकाल सकते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, एक्स और वाई एक्सिस बनाते हैं पहले। ये वाई एक्सिस हो गई हमारी और ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन। अब देखिए, अभी इनइक्वालिटी को फिलहाल हम छोड़ देते हैं। एक इक्वेशन आपको दिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, और वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, पैराबोला को। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला, ये हो गया। और अब आते हैं इनइक्वालिटी में, वाई स्क्वायर जो है 4x से कम है, या फिर हम x और y की जगह पे दोनों की जगह पे जीरो रखते हैं तो जो कंडीशन आ रही है वो सही आ रही है। अगर कंडीशन ट्रू आती है, जीरो लेस देन इक्वल टू जीरो सही है कंडीशन, तो उस केस में आपका जो एरिया आएगा वो इसके अंदर वाला आएगा, ओरिजिन के टुवर्ड्स द ओरिजिन एरिया आएगा। दूसरी इक्वेशन क्या है, 4x² प्लस, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, 4x² प्लस 4y² इक्वल्स टू 9। इसको क्या लिख सकते हैं हम, x² प्लस y² इक्वल टू 9/4। 9/4 को क्या लिख सकते हैं, 3/2 का स्क्वायर। ये किसकी इक्वेशन है पता होगा आपको, ये एक सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर कहाँ पे है, ओरिजिन पे है, और रेडियस कितनी है, 3/2। 3/2 रेडियस का आपको एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। और अगर आप इस इक्वेशन में भी एक्स की जगह पे जीरो और वाई की जगह पे जीरो रखते हैं तो ये जीरो लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9, और जीरो लेस देन इक्वल टू 9 ट्रू है, तो इसका मतलब इसके अंदर का पोर्शन है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो दोनों कर्व्स दिए हुए हैं,
इन दोनों कर्व्स के बीच का कॉमन एरिया आपको निकालना है। ये वाला पोर्शन अगर हम देखें तो ये सर्कल के तो अंदर आ रहा है लेकिन पैराबोला के अंदर नहीं आ रहा है। तो ये वाला पोर्शन अगर देखें तो ये सर्कल के अंदर आ रहा है लेकिन पैराबोला के अंदर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आपको कौन सा एरिया निकालना है? आपको एरिया निकालना है ये वाला। इसकी नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी, और एक परपेंडिकुलर इसमें डाल देते हैं। ये परपेंडिकुलर हमने ले लिया और ये परपेंडिकुलर हमने ले लिया एल सी एल। तो एक तो आप ये ध्यान रखिए कि हमको जितने ये पॉइंट्स मिल रहे हैं इस पोर्शन का एरिया निकालना है, कि ये तो क्लियर है। और दूसरा, अगर मैं इतने का एरिया निकालूँ, इतने पोर्शन का एरिया निकाल दूँ और उसका ट्वाइस कर दूँ, टू टाइम्स कर दूँ, तो आपको ये पूरा एरिया मिल जाएगा। तो हमको सिर्फ इतने पे फोकस करना है, इस पोर्शन का एरिया निकालना है। और इस पोर्शन में आपको सबसे पहले लिमिट्स पता होनी चाहिए कि लिमिट्स क्या क्या हैं। बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 3/2, 0। तो ये पॉइंट तो आपको मिल गया। ये सी पॉइंट क्या है? ये सी पॉइंट है जहाँ पे पैराबोला और सर्कल क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो पैराबोला की इक्वेशन क्या है, फ्रॉम 1 इन 2। पैराबोला की इक्वेशन ये है। तो पैराबोला की इक्वेशन से वाई स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये पैराबोला और सर्कल का इंटरसेक्शन है। तो जिन कर्व्स का वो पॉइंट इंटरसेक्शन होता है उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई हम निकालेंगे। तो एक्स और वाई जो निकल के आएगा, वो एक्स और वाई क्या होगा, वो इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो यहाँ से वैल्यू निकाल करके यहाँ रख लेते हैं, ये हो जाएगा 4x² + 4y² कितना हो जाएगा, 16x हो जाएगा, -9=0। तो 4x², ये 9 4 = 36, और 36 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 18x - 2x - 9=0। तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 2x, x + 9। यहाँ से -1 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे हमने 2 कॉमन लिया, तो 2x + 9 बचेगा और यहाँ बचेगा 2x + 9। तो इक्वेशन क्या होगी, 2x + 9 × 2x - 1=0। तो x की दो वैल्यूज आएंगी, -9/2 और एक आएगी 1/2। तो माइनस, क्योंकि ये जो सर्कल है और पैराबोला दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और दोनों पॉइंट पे आप देखिए यहाँ पे ये जो राइट साइड है यहाँ पे x पॉजिटिव रहता है और इससे पीछे को क्या रहता है, नेगेटिव। तो इसका मतलब ये क्लियर है कि x की वैल्यू 1/2 होगी यहाँ पे, क्योंकि नेगेटिव में तो हो नहीं सकती। और ये x की वैल्यू अगर हम यहाँ रखें तो y² = कितना आ जाएगा, 4 × 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई, √2। हालांकि प्लस माइनस आएगी क्योंकि y भी पॉजिटिव है, तो हमको पॉजिटिव वाली वैल्यू लेनी है इसमें। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बनाने के बाद आपको जो जो कर्व का कॉमन रीजन है वो कॉमन रीजन निकालना है, मैंने बता दिया आपको कैसे निकालना है। और उसके बाद आपको पॉइंट्स निकालने हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो इंटरसेक्शन में आ रहे हैं। अब एरिया का प्रोसीजर हम स्टार्ट करते हैं, एरिया कैसे आपको निकालना है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपसे बोला कि इतने पोर्शन का एरिया निकालेंगे और उसका डबल कर देंगे तो पूरा एरिया मिल जाएगा। तो पहले मैं इतने पोर्शन का एरिया निकालता हूँ, और इसमें देखो मैंने एलिमेंट्री पार्ट मुझे ऐसे लेना पड़ेगा, क्योंकि एलिमेंट्री पार्ट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, वो एलिमेंट्री पार्ट आपको ऐसे लेना है जो पूरे उस रीजन के अंदर आ जाए जिस रीजन का एरिया हम निकाल रहे हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि आपको इस केस में कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा इतने पोर्शन का एरिया निकालेंगे प्लस इतने पोर्शन का एरिया निकालेंगे तो इतने का एरिया मिल जाएगा, और उसका डबल करेंगे तो पूरा एरिया मिल जाएगा। तो ये वाले पोर्शन में मैंने आपसे बोला था कि अगर एलिमेंट्री पार्ट y के पैरेलल है तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, y dx। इसमें आप देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, dx आ रहा है। अगर dx आ रहा है तो आपको लिमिट x की लेनी है। यहाँ पे x कितना है इस पॉइंट पे, 0, और इस पॉइंट पे x कितना बन जा रहा है, 1/2। तो x की लिमिट क्या हो गई, 1/2। प्लस इतने पोर्शन का एरिया निकालने के लिए फिर से एलिमेंट्री पार्ट जो है वो फिर से ऐसे ही आएगा, तो y dx वाला ही फॉर्मूला यूज़ होगा। और लिमिट कहाँ से कहाँ, 1/2, यहाँ पे x 1/2 और यहाँ पे x कितना है, 3/2, 1/2 से 3/2। ये किसके अलोंग है, यह है अलोंग OLC, और ये किसके अलोंग है, अलोंग CLB। तो अब आपको जो सबसे मेन चीज़ और याद रखनी है, जो मेन कंसेप्ट आपको याद रखना है, इस वाले पोर्शन में देखिए
इस वाले पोर्शन में कौन सा ग्राफ आ रहा है, सर्कल आ रहा है या पैराबोला आ रहा है? इस वाले पोर्शन में आ रहा है पैराबोला, तो आपको वाई की वैल्यू पैराबोला से रखनी है। और पैराबोला से वाई कितना था, यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर की वैल्यू 4x है, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2√x dx। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस 1/2 से 3/2। इस केस में ये कौन से किसके किसका एरिया है, इस वाले पोर्शन का। और इस वाले पोर्शन में आप देखो कहीं पे भी पैराबोला वाला पोर्शन नहीं आ रहा है, सर्कल वाला आ रहा है। और सर्कल से आपको क्या निकालना है, वाई निकालना है। तो वाई कितना आएगा यहाँ से, x² + y² = 9/4। तो आपको वाई की वैल्यू निकालनी है, वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 9/4 - x², तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √9/4, 9/4 का मतलब 3/2 का स्क्वायर माइनस x² dx। तो अब आपको क्लियर है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज़ करना है, कहाँ से वैल्यू वाई की कौन सी वैल्यू किस इक्वेशन में रखनी है, कौन से लिमिट आपको रखनी है। बस आपको अब इसमें इंटीग्रेशन का कंसेप्ट यूज़ करना है, और इंटीग्रेशन के कंसेप्ट से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन मैंने इतने पोर्शन का ही एरिया निकालना है, तो इसका क्या करेंगे, अभी डबल कर देंगे, तो आपको पूरा एरिया मिल जाएगा, 2 यहाँ भी 2। इसका x^(1/2) का क्या होगा, x^(3/2)/3/2, लिमिट क्या है, 0 से लेके 1/2। इसमें फॉर्मूला लगेगा, जो सेकंड वाला टर्म है उसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, √a² - x², और √a² - x² क्या होता है, x/2। x कितना है यहाँ पे, x तो x ही है, x/2 - √3/2 - x², जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले को यूज़ कर रहे हैं, √a² - x² का। तो 3/2 का स्क्वायर - x² प्लस फिर क्या होता है, a² / 2 sin inverse x / a। ए स्क्वायर का मतलब 3/2 का स्क्वायर / 2 sin inverse x की जगह पे कितना है, x से है, a की जगह पे कितना है, 3/2। ये सब फॉर्मूले आपने इंटीग्रेशन में पढ़े हुए हैं, तो मैं डायरेक्टली इनका यूज़ कर रहा हूँ। लिमिट कहाँ से कहाँ है, 1/2 से 3/2। अब आपको लिमिट अप्लाई करनी है, और लिमिट अप्लाई करके आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो लिमिट अप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा, ये 2 यहाँ आ जाएगा 4/3, और x की जगह पे क्या रखना है, 1/2 की पावर 3/2, 0 में तो 0 ही हो जाना है इसमें। प्लस देखिए हायर लिमिट अगर हम इसमें रखते हैं इस वाले टर्म में, तो 3/2 अगर यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 3/2 का स्क्वायर - 3/2 का स्क्वायर 0, तो हायर लिमिट में ये 0 हो गया। हायर लिमिट यहाँ रखते हैं, ये कितना बनेगा, 9/4, और 9/4 × 2 = 8, 9/8 sin inverse x की जगह पे क्या रखना है, 3/2 / 3/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में क्या आएगा, माइनस x की जगह पे कितना रखना है आपने, 1/2, तो 1/2 अगर हम रखेंगे यहाँ पे, तो 1/2 / 2 तो कितना हो जाएगा, 1/4, और रूट में कितना है, 9/4, और x की जगह पे 1/2 रखना है। कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से देखिए, 1/4, और लोअर लिमिट यहाँ 1/2 यहाँ रखेंगे इस वाले में, तो ये हो जाएगा 9/8 sin inverse। 1/2 अगर हम यहाँ रखते हैं तो कितना होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो हमने ये लिमिट इसमें अप्लाई कर दी है, और लिमिट अप्लाई करने के बाद अब आप इसको ईजिली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करके आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो डायग्राम में अब हटा दे रहा हूँ, देखिए कितना हो जाएगा, 8/3, और 1/2 की पावर 3/2 का मतलब, पहले इसकी पावर मैं सिंपली सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, 2 की पावर 3/2 का मतलब हो गया 1/2 का क्यूब की पावर 1/2। 2 का क्यूब कितना होता है, 8, और 1/2 का मतलब √8, और √8 का मतलब क्या होता है, 2√2, तो हो गया 1/2√2 प्लस 9/8। साइन इनवर्स 1 कितना होता है, π/2, और इसके साथ साथ ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लीकेशन में आएगा, माइनस 1/2 इसके साथ भी आएगा, 1/4, 9/4 - 1/4 कितना हो जाएगा, 8/4, और 8/4 का स्क्वायर रूट अगर हम निकालेंगे, 8/4 का मतलब हो गया 2, 2 का स्क्वायर रूट कितना होता है, √2, माइनस साइन इनवर्स 9/1, इसमें 2 भी आएगा यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, जो बाहर से 2 था, 9/8 sin inverse 1/3। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 4 अपॉन
थ्री रूट टू, रूट टू से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, प्लस 9 पाई बाई 8 माइनस, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट टू अपॉन 2, और ये हो जाएगा 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1/3, ये कितना हो जाएगा 4 रूट टू अपॉन रूट टू इंटू रूट टू 2 6 हो गया, माइनस रूट टू अपॉन 2 प्लस 9 पाई बाई 8 माइनस 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1/3। अब ये जो दो टर्म्स हैं इनका एलसीएम आप लीजिए, एलसीएम लेकर के 6 आ जाएगा, और 6 लेने के बाद आप उसको सिंप्लीफाई करिए, आपको इजीली उसका आंसर मिल जाएगा। तो आगे का सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हैं, आगे का सिंप्लीफिकेशन मैं छोड़ दे रहा हूँ। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया जो सीबीएसई 2015 में पूछा गया था, लॉन्ग क्वेश्चन है। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सबसे मेन आपको जो ध्यान रखना है वो है डायग्राम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये क्वेश्चन भी मैं हटा दे रहा हूं। देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। एक दिया हुआ है x इक्वल टू रूट वाई, x इक्वल टू रूट वाई का मतलब हो गया स्क्वायरिंग करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया y, और x स्क्वायर इक्वल टू y क्या होता है पैराबोला, पता होगा आपको। दूसरा क्या है इक्वेशन, x माइनस वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस टू, तो ये माइनस टू को अपॉन में ले आते हैं, माइनस टू प्लस वाई अपॉन टू इज इक्वल टू वन, सिंपल मैंने सिंप्लीफाई किया हुआ इसको, एंड y एक्सिस। ये तीन रीजन आपको दिए हुए हैं, उन तीन रीजन में जो कॉमन एरिया आएगा उस एरिया को आपको निकालना है, किसका यूज करके, इंटीग्रेशन का यूज करके। दिल्ली बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है, पहले सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं। ये आपकी हो गई y एक्सिस, ये हो गई x एक्सिस। x स्क्वायर इक्वल टू y क्या होता है पैराबोला होता है, और ये पैराबोला किस डायरेक्शन में बनेगा, ये बनेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। ये आपका हो गया क्या x स्क्वायर इक्वल टू y, और x स्क्वायर इक्वल टू y के बाद दूसरा क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन x को कहां पे कट कर रही है, x को कट कर रही है ये माइनस टू पे, और y को कहां पे कट कर रही है टू पे, तो ये लाइन बन गई। और y एक्सिस क्या है, ये है। तो आपको कौन सा एरिया निकाला है, ध्यान से उसको समझिए पहले। ये बोल रहा है कि लाइन, ये जो लाइन है ये पैराबोला जो है, और y एक्सिस ये है, तो इतने पोर्शन का आपको एरिया निकालना है। और इस पोर्शन का एरिया आपको निकालने के लिए पहले सबसे पहले देखिए कॉमन रीजन जो आ रहा है, पहले उसको हम शेड कर लेते हैं। ये ए हो गया, ये पॉइंट आपका बी हो गया, तो आपको एरिया कौन सा निकालना है, हल्की सी शेडिंग इसको दे देते हैं, ये वाला एरिया आपको निकालना है। अब ध्यान से देखिए इसमें, अगर मैं एलिमेंट्री पार्ट ऐसे लेता हूं तो वो एलिमेंट्री पार्ट सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो एलिमेंट्री पार्ट यहां तक तो सही आ रहा है, यहां पे जो एलिमेंट्री पार्ट है वो छोटा होते जाएगा, तो वो जो एलिमेंट्री पार्ट हम पूरा बड़ा ले रहे हैं तो इसका मतलब गलत कर रहे हैं हम, तो एक्स के पैरेलल तो बन नहीं सकता यहां पर। तो इसमें आपको कंसेप्ट थोड़ा सा अलग लगाना पड़ेगा, आपको क्या करना है, सबसे पहले ये परपेंडिकुलर हमने डाल दिया, क्यों ना हम ऐसा करें कि इस पूरे पोर्शन का एरिया निकाल दें पहले, और इस पोर्शन से ये जो वैकेंट पोर्शन है यानी कि खाली पोर्शन है, इस खाली पोर्शन का एरिया माइनस कर दें, और खाली पोर्शन का एरिया माइनस करेंगे तो आपको इजीली ये शेडेड पोर्शन वाला एरिया मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के लिए पैराबोला और लाइन को सॉल्व करना है। ये पैराबोला से एक्स स्क्वायर या वाई की वैल्यू यहाँ रख लेते हैं, फ्रॉम 1 and 2 वाई की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस टू, इन दोनों को वहाँ लेके जाते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू, इसमें से एक्स कॉमन आ रहा है एक्स माइनस टू, यहाँ से वन कॉमन आ रहा है एक्स माइनस टू, तो एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू, तो एक्स की दो वैल्यूज आ रही है, माइनस वन और टू, कौन सी वैल्यू ली जाएगी जो पॉजिटिव है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो इसका मतलब टू वाली वैल्यू सही है और ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया, टू आ गया, एक्स की वैल्यू टू आ रही है,
वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये जो टू वैल्यू है इसको यहाँ रख लेते हैं, एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू टू रखेंगे तो टू का स्क्वायर फोर, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई फोर, तो ये पॉइंट हमको मिल गया। अब रिक्वायर्ड एरिया के लिए मैंने आपको क्या बताया, ये एल कर लेते हैं, ये हम डी कर लेते हैं। रिक्वायर्ड एरिया देखिए ध्यान से, रिक्वायर्ड एरिया के लिए मैंने आपसे क्या कहा कि हम पहले इस पूरे पोर्शन का एरिया निकाल लेते हैं, और ये जो पोर्शन है इसमें एलिमेंट्री पार्ट ऐसे आएगा, और अगर एलिमेंट्री पार्ट वाई एक्सिस के पैरेलल है तो कौन सा फॉर्मूला, वाई डी एक्स, किसके अलोंग है ये पूरा पोर्शन है, कैसे इसकी नेमिंग कैसे करनी है आपको, ओ ओ एल ए बी ओ माइनस ये वाला पोर्शन, इसमें भी वाई डी एक्स लेकिन पोर्शन कौन सा है ये ओ एल ए डी ओ। बस अब आपको वही कंसेप्ट लगाना है जो मैंने आपको बताया, इस ओ एल ए बी ओ में, इस ग्राफ में आप देखो तो कौन सी इक्वेशन यूज हो रही है, ये लाइन वाली इक्वेशन यूज हो रही है, तो यहां से वाई निकालिए, अब वाई इधर आ जाएगा, टू इधर आ जाएगा, तो कितना हो गया एक्स प्लस टू डी एक्स, अब समझ में आ रहा होगा आपके, और लिमिट क्या है यहाँ पे, ये डी एक्स आ रहा है तो एक्स की लिमिट यहाँ पे जीरो, और यहाँ यहाँ तक हाईएस्ट पॉइंट पे जाने पे एक्स कितना है टू, जीरो से टू माइनस, इसमें देखिए आप इस वाले पोर्शन में कौन सा ग्राफ यूज़ हो रहा है, ये वाला, और ये कौन सा है ग्राफ, ये, तो वाई की जगह पे एक्स स्क्वायर डी एक्स, लिमिट अभी भी क्या है जीरो से लेकर टू तक, बस आपको इसको इंटीग्रेट कर देना है और आपको ईजिली इसका आंसर मिल जाएगा। एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस टू एक्स जीरो टू टू माइनस एक्स क्यूब अपॉन थ्री जीरो टू टू, टू रख दीजिए यहाँ पे, फोर फोर अपॉन टू कितना हो जाएगा टू प्लस फोर, और जीरो पे तो दोनों जीरो हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा एट अपॉन थ्री, और लोअर लिमिट में जीरो कितना हो जाएगा सिक्स माइनस एट बाई थ्री, एटीन माइनस एट बाई थ्री कितना हो जाएगा 10 बाई थ्री स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया जो है वो स्क्वायर यूनिट्स में काउंट होता है, तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 10 बाई थ्री स्क्वायर यूनिट्स। ये क्वेश्चन किस में पूछा गया था 2015 में दिल्ली बोर्ड में, तो दो क्वेश्चन हमने अभी तक सॉल्व कर लिए हैं, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन जो है वो 2015 में उत्तराखंड बोर्ड का ही एक क्वेश्चन है, CBSE दिल्ली बोर्ड, और तीसरा क्वेश्चन उत्तराखंड बोर्ड का हम क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। इसमें देखिए आपको एरिया कौन कौन सा निकालना है, कौन कौन से कर्व्स आपको दिए हुए हैं, आपको जो कर्व्स दिए हुए हैं उनको पहले हम लिख लेते हैं। एक है एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर वाई इक्वेशन वन, और दूसरा है वाई इक्वल टू फोर, इनके बीच का कॉमन एरिया हमको निकालना है, इनके बीच का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम बनाते, पहले ये y एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस हो गई। देखिए जो पहला कर्व आपको दिया हुआ है वो क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर वाई जो होता है पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, और y इक्वल टू फोर क्या होता है, y इक्वल टू फोर एक लाइन होगी स्ट्रेट लाइन, किसके पैरेलल, x के पैरेलल, और कहां पे कट करते हुए जाएगी, फोर पे, फोर पॉइंट ये ले लिया हमने, तो इसका जो कॉमन पोर्शन है ये वाला पोर्शन हमको निकालना है, नेमिंग कर लेते हैं इसकी ए बी सी। तो देखिए स्टूडेंट्स जो एरिया हमको निकालना है उस एरिया के करस्पॉन्डिंग अगर हम बात करें तो पहले इसको शेड कर लेते हैं, जो जो एरिया हमको निकालना है, अगर हम सिर्फ इतना पोर्शन जो है इस पोर्शन का एरिया अगर हम निकालते हैं और उसका ट्वाइस कर लेंगे तो आपको टोटल एरिया निकल जाएगा, तो इसका मतलब हमको सिर्फ इतना एरिया निकालना है, और इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो ये बी पॉइंट हो जाएगा 4, 0, तो सिर्फ आपको किसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ए पॉइंट के, और कैसे निकालने हैं इन दोनों को सॉल्व करने के बाद, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करिए। अब वहाँ से जो सेकेंड इक्वेशन है यहाँ से वैल्यू यहाँ रखते हैं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, एक्स कितना आ गया 4 प्लस माइनस 4 आएगा, पॉजिटिव वैल्यू हम ले रहे हैं इधर की, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, और y की वैल्यू ऑलरेडी कितनी है 4 है, a पॉइंट भी आपको मिल गया, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड
एरिया आपको एक्स डी वाई वाला फॉर्मूला लगाना है या वाई डी एक्स लगाना है, आप जो स्टार्टिंग में कंसेप्ट बताया उसको अगर आप ध्यान से समझे हैं तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं ये वाला पोर्शन लेता हूँ, एक तरीका ये है कि हम वाई डी एक्स वाला फॉर्मूला भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी। आपको पहले इस यहाँ से परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा, पूरे पोर्शन का एरिया निकालना पड़ेगा और उससे इस वाले पोर्शन को माइनस करना पड़ेगा, जैसे पहले क्वेश्चन में मैंने किया था, अभी सेकेंड क्वेश्चन में किया था। उस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, तो वाई डी एक्स वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस वाला फॉर्मूले को एलिमेंट्री पार्ट अगर हम ऐसे लेंगे तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है आपको, ये एक्स डी वाई वाला, इससे बड़ी इजीली इसका आंसर मिल जाएगा। अगर आप उस तरीके से भी करते हैं कि आपने इस पूरे पोर्शन का एरिया निकाला और इससे इसको माइनस कर दिया, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। एक्स डी वाई वाला फॉर्मूला, लिमिट क्या है, अब यहाँ पर डी वाई आ रहा है तो लिमिट क्या है, वाई की यहाँ पर जीरो और यहाँ पर वाई की लिमिट क्या है, ये 4.0 नहीं होगा, सॉरी गलत लिख दिया है, ये होगा 0.4। तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 4 है, तो लिमिट कितनी होगी 0 से 4। और सिर्फ इतने पोर्शन का एरिया निकाला है हमने अभी, इसका क्या करेंगे, ट्वाइस करेंगे तो पूरा एरिया मिल जाएगा, 2 times 0 to 4। x की वैल्यू यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 का स्क्वायर रूट 2 और रूट y dy, बस इंटीग्रेट कर लेना है, 4y^3/2 / 3/2, लिमिट क्या है 0 to 4, ये 2 ऊपर आ जाएगा तो 8/3 हो जाएगा, और 4^3/2 माइनस लोअर लिमिट 0, 8/3, 4^3/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4³/1/2, या ऐसे ना लिख करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 4^1/2³ और 4^1/2 का मतलब रूट 4 कितना होता है 2, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, तो हो गया 8/3 × 8, कितना हो गया 64/3 स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका क्या हो गया, रिक्वायर्ड एरिया, जो एरिया हमको निकालना था, ये उसका आंसर है। तो ये उत्तराखंड बोर्ड का क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन मैंने तीनों बोर्ड के लिए है 2015 के, तीनों क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए और सबसे पहले जो कंसेप्ट बताया है उस कंसेप्ट को ध्यान से समझिए। अब इसके बाद अगले कुछ इयर्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं, जो बोर्ड्स में क्वेश्चन, अलग अलग बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। और फिलहाल हमारा फोकस किस चैप्टर पे ही रहेगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पे।